माधव जी बार बार बता रहे थे दरभंगा जिला पुलिस सम्मेलन करने के निमित्त आज का कार्यक्रम है, मंडलीय कार्यक्रम करने के निमित्त। असल में आज का कार्यक्रम का सूचना मनीष जी और सरवन जी दोनों आदमी हमको नहीं था। डेट जरूर मेरे हिसाब से आप तय किए थे कि 17 को हम व्यस्त हैं, आगे का डेट रख देते हैं 24 का, लेकिन हमको नहीं बताया कि 24 को नारायणपुर में कार्यक्रम है। रात में पता चला तो हम लोग का दो चार दिन पहले तय हो जाता है कल का कार्यक्रम क्या। आज का व्यस्तता ज्यादा था जिस कारण से विलंब हुआ, लेकिन स्वजाति का कार्यक्रम और जाति संगठन मजबूती के लिए कार्यक्रम था, इसलिए आना जरूरी था, नहीं तो नहीं आ पाते। लेकिन आप लोग के मन में विचार अच्छा अच्छा था, ऐसे करने से इसे बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, समाज संगठित हो जाएगा, लेकिन रोका कौन था समाज को संगठित करने के लिए। अच्छा अच्छा भाषण हम सुन रहे थे, समाज तोड़ने में खंडित करने में हम सबका योगदान रहा है। जहां पर 40-50 घर सूरी है वहां पर 5 गौवा काम कर रहा है। दोष किसका है सोचिए, थोड़ा ठंडा दिमाग से कि 5 गांव में खंडित है, ठीक है, समाप्त के अभाव में बहुत को लगता है कि अगर गौवारी बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा तो भोज भात खिलाना पड़ेगा, लेकिन गौवारी शॉर्ट टर्म, लेकिन वैमनस्यता के कारण गौवारी छोटा होता है तो जाति कमजोर होता है। ऐसा अनुभव है ना कि जहां 50 घर सूरी है वहां 4 पार्ट में संगठन बटा हुआ है। नारायणपुर में हो सकता है कि वो गौवा हो, तो व्यक्ति प्रमुखता के कारण संगठन कमजोर होता है कि मेरा प्रमुखता नहीं है तो मैं संगठन में नहीं रहेंगे। इस कारण से एक जिला संगठन स्वतंत्र रूप से काम करे, जाति हित में काम करे, जिसके पास सामर्थ्य है और जो दिनहीन है, गरीब है, अगर तालाब से 1 बाल्टी पानी निकलता है तो तालाब का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जिसके पास पानी नहीं रहता है उसको अगर 1 बाल्टी पानी दे देते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। तो निश्चित रूप से 5 रुपया प्रत्येक घर से लेने का विचार से अच्छा रहता, जहां तालाब भरा हुआ है और जहां तालाब खाली है, तो भरा हुआ तालाब से खाली तालाब में अगर पानी जाएगा तो दोनों तालाब भरा हुआ दिखेगा। इसलिए गरीबे पर गरीबी का नोट दीजिएगा, 5 रुपया दो, जो 500 देने वाला है तो 5 रुपये में उसका काम निकल गया, 500 वाला को 500 देने दीजिए, 10,000 वाला को 10,000 देने दीजिए, 1,00,000 वाला को 1,00,000 देने दीजिए, सबको एक जैसे में बांधिएगा तो गरीबी दूर नहीं होगा, असमानता दूर नहीं होगी। एक और बात है, समाज में अपने आप को कोई गरीब नहीं मानता, अगर गरीब मानता तो भगवान का देन है, कोई गरीब हो जाता कोई अमीर हो जाता, लेकिन जब अपने परिवार में दयाद में सामर्थ्यवान अपने बेटी के विवाह में मुंडन में छठी में समर्थ के हिसाब से अधिक खर्च करता है, उसका जो कमजोर दयाद है वो कहता है अरे फलना कल के धाम किए नहीं कर से किए कम, आप बताइए भगवान तुमको पैसा कम दिया उसको अधिक दिया है, तुम अपना जमीन बेच के उसका बराबरी कर रहे हो, गरीबी बढ़ेगा कि घटेगा, इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कोई लुटा रहा है हम भी लुटाएंगे,
मुझ का लड़ाई अगर मुझ है तब तो चलेगा, मुझ है नहीं या मुझ का लड़ाई लड़ रहा है उससे बर्बादी बढ़ेगा। अगर बेटी है समर्थ के हिसाब से लड़की को लड़का खोजेंगे। हम करते क्या है, दहेज कैसे बढ़ता है, अवकाश से ज्यादा बड़ा परिवार खोजते हैं इसलिए दहेज देना पड़ता है। समर्थ है सामान्य लड़का मिल जाएगा, और उसी प्रयास में दहेज में हम लोग लड़ते हैं दहेज से, और कहते हैं कि हम लोग को कोई मदद नहीं करता। अब बनिया बकाल ज्यादा कमाता है, ज्यादा सुखी है, सब कुछ संपन्न है, सब जानते हैं, वो लड़का का ब्याह के लिए लड़की नहीं मिलता, परेशान है उसका माई बाप, हम हर तरह से मजबूत है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही। तो संगठन का मतलब है आपसी सम्मेलन, मतलब आपसी मिलन, एक दूसरा से जब मिलिएगा तो परिचय बढ़ेगा।